आप नीचे देख रहे हैं मेरे इसके ये सारे पॉकेट आपके खुले होने चाहिए लीटर के अंदर सिर्फ तीन चार एमएल यानी कि एक चम्मच पानी में मिलाकर इसको डाल दिया और इसको मॉर्निंग मॉर्निंग में स्प्रे कर दिया स्पेस बिल्कुल नहीं है ये इसलिए है कि ये बरसात में अगर पानी आता भी है एक्स्ट्रा पानी जब आता है तो ये साइड से सारा ऊपर से निकल जाता है अगर आपका पानी डालते ही वेल ड्रेन हो रहा है नीचे से आपने बहुत अच्छा उसमें कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा है तो आपका पानी उसमें अटकेगा नहीं और उसके पश्चात उसमें सारा पानी आपका ड्रेन हो जाएगा तो आपका ड्रेनियम बरसात में भी कभी मरेगा नहीं अब दोस्तों मैं इसमें बात करूं इस प्रकार के प्लास्टिक पॉट अडेनियम के लिए कहीं भी अच्छे नहीं होते हैं लेकिन मैंने इसी साल सारे अडेनियम के अपने इसमें लगाए क्योंकि छत में वेट बहुत हो जाता है एक ही चीज़ नहीं देखनी होती है हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है अगर मैं इसमें सीमेंट के पॉट या दूसरे पॉट लगा रहा था तो मेरे इसमें वेट बहुत ज़्यादा हो रहा था अगर आप देख रहे हैं अब अडेनियम का हमारा साइज़ भी बढ़ गया है अब देखिए प्लास्टिक में होने के बावजूद भी इस टाइम पर ये करीब करीब पाँच सात किलो का वजन है और इसी प्रकार से आप देखेंगे मेरे पास तीस चालीस है तो इनका वेट बहुत बढ़ जाता है इसलिए मैंने ये प्लास्टिक के पॉट चूज़ किए हुए हैं आप भी लगा सकते हैं लेकिन आपको क्या करना है ये जो नीचे आप देख रहे हैं एक इसमें बहुत सारे नीचे छेद होते हैं ये प्लास्टिक का एक फायदा होता है मैं आपको दिखा पाऊँ ये देखिए तो आप आप नीचे देख रहे हैं मेरे इसकी ये सारे पॉकेट आपके खुले होने चाहिए एक चीज़ इसका ध्यान रखें और उसके लिए दूसरा ये है कि इसकी एक लेयर यहाँ तक की इस चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ तक की लेयर को मैंने पूरा कंकड़ से भर रखा है इसके अंदर नीचे सारा कंकड़ ही कंकड़ है इसमें कुछ भी मेरा सॉइल मिक्स नहीं है पूरी बारीक पत्थर बड़े वाले पत्थर कंकड़ जितने भी हो सकते हैं ईंट के टुकड़े सारे नीचे भर दीजिए उससे क्या होगा दो फायदे होंगे एक तो नीचे से आपका एयर बहुत अच्छा इसको मिलेगा और दूसरा इसमें पानी कहीं नहीं अटकेगा और उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट लेयर इसमें रखता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ से लेके इसकी आधी लेयर यहाँ तक जो मैंने आपको अपनी पत्तियों की खाद बताई वो इसके अंदर डालता हूँ अब वो होता क्या है वो नीचे जब जाता है तो वाटर को अपने अंदर नीचे रिटेंशन कर लेता है और ऊपर की जो ये मेरी इतनी लेयर होती है ये मेरा सॉइल मिक्स होता है जिसके अंदर मेरी गार्डन सॉइल सिर्फ और सिर्फ 20 परसेंट या 25 परसेंट के करीब होती है 40 परसेंट के करीब इसमें मेरा ख रेत होता है या मेरे पास अगर खंगर है तो मैं खंगर को मिला लेता हूँ अगर मेरे पास खंगर है तो फिर मैं रेत को कम कर देता हूँ और दोस्तों बात थोड़ा बहुत मेरा इसमें वर्मी कम्पोज या दूसरी प्रकार की कोई भी खाद आप डालते हैं तो वो होता है ज़्यादातर हम अपने इसमें किचन कम्पोज का प्रयोग करते हैं गोबर की खाद बहुत कम मिलती है हमें और हम उसका बहुत कम प्रयोग करते हैं कई कई बार हमें डालना पड़ता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा कई बार हमें डालना पड़ता है गोबर की खाद भी लेकिन पुरानी गोबर की खाद हो वही आपको यूज़ करना है तो इस प्रकार से अगर आप अपने सॉइल मिक्स को बनाएंगे आपका अडेनियम कभी ख़राब नहीं होगा बस आपको थोड़ा सा विंटर में ध्यान रखना है अब विंटर में अगर हम इसको खुले में ऐसे ही छोड़ देंगे तो डेली की ओस इसके अंदर गिरती है वो सूख नहीं पाता है क्योंकि टेम्परेचर इतना लो हो जाता है हमारे एरिया के अंदर कि आपका टेम पानी उसमें सूख नहीं पाता है और उस उसके पश्चात क्या होता है कि नीचे नीचे हमारी रॉट शुरू हो जाता है आपका अडोनियम नीचे से ख़राब होना शुरू होगा आपको पता भी नहीं लगेगा ऊपर का सेप ऐसा ही रहेगा कुछ दिनों बाद आप देखेंगे तो इसकी टहनियाँ ऐसी झुकनी स्टार्ट हो जाएंगी और जब आप देखेंगे इसको तो आप इसको फिर बचा पाने की हालत में होते ही नहीं है क्योंकि आपका अडोनियम लगभग पूरा रॉट हो चुका होता है दोस्तों ये सब मेरे साथ भी हुआ है मेरे तो एक साथ में एक एक नहीं पिछले दो तीन दो साल तीन साल पहले जब मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि उस टाइम पर मेरी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ आ गई थी जिसके कारण मैं इसमें ध्यान नहीं दे पाया मेरे को सुबह छः बजे निकलना पड़ता था और वो सर्दियों का टाइम था तो मेरे 20 से 25 अडेनियम खराब हुए और उस समय मैं जानता हूँ कि मेरे को कितना दुख हुआ था क्योंकि जो 20 से 25 अडेनियम थे वो लगभग दो दो तीन तीन चार चार साल के थे तो ये सब चीज़ें होती हैं और एकदम से ख़राब हुए क्योंकि बारिश उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हुई थी और हर तीस से चौथे दिन दिल्ली के अंदर बारिश थी और उन बारिश में मैंने सोचा कि मेरे डेनियम बच जाएंगे ऐसा भी ऐसी भी बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी चाहिए कि हमारे चाहे किसी भी प्रकार का सॉयल मिक्स आपने बना रखा हो कैसा भी बना रखा हो आपने पत्थर में भी लगा रखा हो तब भी आपको कोशिश करनी है कि विंटर में आप इसको निकाल के थोड़ा सा सेड में रख दें या फिर इसको निकाल के लटका दें तो ये इसकी इतनी सी केयर आप कर लेंगे और उसके पश्चात जब फरवरी का महीना आता है और इवन मैं ये कहूँ कि जनवरी एंड या फरवरी बिल्कुल स्टार्टिंग में तो इसके सॉइल मिक्स को दोबारा से तैयार करिए जो मैंने आपको अभी बताया जिस प्रकार से उसी प्रकार से तैयार करें उसमें थोड़ा सा अच्छी खाद डालिए और अपनी उसको तैयार करते हुए इनको दोबारा से रिपोर्ट कर दें तो आप देखेंगे कि आपके बाद आपके ये इसी प्रकार से ग्रो करते हुए धीरे धीरे अप्रैल के अंदर ये इसी प्रकार से फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाता है अब दोस्तों मैंने मार्च अप्रैल में तो लगा दिया क्या है? उसके बाद दोबारा मैंने इसमें कुछ खाद डाला जी हाँ डाला मैं इसमें दो चीज दो खादों का अपने अडेनियम में प्रयोग करता हूँ एक तो मैं इसमें माइक्रो न्यूट्र न्यूट्रेंट जरूर देता हूँ वो आपके लिए रिक्वायरमेंट सभी के लिए नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए लेकिन क्योंकि मेरी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है तो मैंने देखा है इसमें माइक्रोन्यूटन से इससे क्या फ़ायदा होता है मैं अभी आपको बताऊँ मेरे आप कहीं पर हो नहीं रहा है मैं इक्का दुक्का फ्लावर अगर कहीं चूज़ करने की कोशिश करूँ तो ये देखिए मैं एक फ्लावर पर आता हूँ ये देखिए आपको इस फ्लावर को मैं अगर उसको तोड़ूँ ये देख रहे हैं आप ये फ्लावर मेरा कटा हुआ है पूरा खिला नहीं है इसकी कमी क्या है इसमें बोरोन की कमी है इसके अंदर अगर आपके प्लांट में इस प्रकार से बोरोन की कमी कभी कभी हो जाती है तो आपको उसमें फिर माइक्रोन्यूट्रन देना होता है बोरोन देना होता है तो अगर आप बोरोन नहीं देते हैं या चाहते हैं कि आपकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो उसके अंदर चमक बहुत अच्छी हो मैं ये एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको आप सीवीड्स किसी भी प्रकार का कुछ आ सकता है मैं इफको का ये सागरिका लिक्विड में यूज़ करता हूँ और जब मेरी ये फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली थी कुछ इस प्रकार से मेरा जब हरा आ रहा था तो मैंने इसको दो बार स्प्रे किया एक लीटर के अंदर सिर्फ तीन चार एम यानी कि एक चम्मच पानी में मिलाकर इसको डाल दिया और इसको मॉर्निंग मॉर्निंग में स्प्रे कर दिया तो उसके पश्चात इसको सिर्फ दो स्प्रे मैंने डाले अब डालने की मेरे को कोई भी आवश्यकता नहीं है अब मैं जब इसमें स्प्रे डालूँगा वो डालूंगा जुलाई में क्योंकि जुलाई के अंदर जब हमारी काफ़ी बारिश हो जाती है हमारे पत्ते बहुत बढ़ते हैं उस टाइम पर इनको नाइट्रोजन बहुत मिलती है जब इनको नाइट्रोजन बहुत मिलती है तो इनकी फ्लावरिंग थोड़ा सा कम हो जाती है तो उस टाइम पर इनको आपको थोड़ा सा पोटास और थोड़ा सा ये इसी प्रकार से माइक्रोन्यूट्रियन देने की आवश्यकता पड़ती है लेकिन दोस्तों रूट जोन में मैं इसके आप कोई फ्लावर कोई भी खाद नहीं डालता अडेनियम एक ऐसा प्लांट है अगर आप खाद नहीं भी डालेंगे अगर आप सिंपल मिट्टी में भी डालेंगे तो आपकी फ्लावरिंग हंड्रेड परसेंट होगी ये तो आप लिखवा लीजिए हो सकता है आपकी इतनी बग फ्लावरिंग ना हो इतनी बड़े साइज़ ना आए फूल के लेकिन आपकी फ़्लावरिंग होगी बिल्कुल आराम से होगी कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं और अगर अडेनियम में ये सब दो एक दो चीज़ें यूज़ करते हैं जो लोग केमिकल यूज़ करते हैं वो इसमें डीएपी का प्रयोग करें डीएपी एक बहुत अच्छा एडिनियम के लिए बहुत ही बढ़िया है डायमोनियम फॉस्पेट आप उसको जीरो बावन चौंतीस के रूप में भी मिलता है ये चौंतीस उसमें पोटास होता है जीरो बावन जो होता है फिफ्टी टू वो उसमें फॉस्फोरस होता है तो एडेनियम एक फॉस्फोरस लवर है अगर आप झंझटबाजी में नहीं पड़ना चाहते तो आप डीएपी का प्रयोग करिए लेकिन उसकी अधिक मात्रा मत रखिए मैं आपको बताऊं देखिए जैसे आपका इतना छोटा प्लांट है तो इसमें सिर्फ डी के तीन या चार दाने डालिए दोस्तों अलग अलग गार्डनर आपको अलग अलग प्रकार की वो दे सकते हैं लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ मैं इसमें तीन से चार कभी भी यूज़ नहीं करता हालांकि मैंने अपने उसमें अडेनियम में अब ये सब डी ए पी वगैरह सब डालना छोड़ दिया लेकिन जब पहले यूज़ करता था बहुत कम और जैसे इतना बड़ा प्लांट है तो उसमें आठ से दस दाने या बारह दाने आप डाल सकते हैं तब आपका अडेनियम बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ लेगा और अगर आप ऑर्गेनिक रूप में डालते हैं तो आप देखेंगे हमारे सर्दियों में भी इसकी पत्तियाँ नहीं गिरती गर्मियों में हमारे को इसको गर्मी नहीं लगती है प्लांट्स को हमारे इसके फूल बहुत अच्छे आते हैं तो ये सब चीज़ें आप ऑर्गेनिक का बहुत फ़ायदा होता है आपको आपके प्लांट में इम्यून सिस्टम काफ़ी बढ़ जाता है और उसको लड़ने की क्षमता उसको बढ़ जाती है वो हर प्रकार के वेदर से आपका अरेनियम लड़ने लग जाता है दोस्तों एक फर्टिलाइज़र की मैंने बात करी दूसरा आप जो ऑर्गेनिक में मैं इसमें यूज़ करता हूँ वो पोटास आता है मार्केट में ऑर्गेनिक पोटास मिलता है वो लिक्विड के रूप में ही आता है इस प्रकार से और वो भी इफ्को का आता ही है तो उसको भी मैं यूज़ करता हूँ उसी प्रकार से स्प्रे करते हुए यूज़ करता हूँ आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए आपका प्लांट इसी प्रकार से बहुत अच्छा खिलेगा और कोई ज़रूरत कोई वो ही नहीं है कि आप ज़्यादा चीज़ें इसमें डालो आज आप ये डाल रहे हैं कल को किसी ने कुछ और डाला कुछ और करा ऐसे आप अपने प्लांट को मार देंगे उसके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देंगे दोस्तों ये भी एक जीवन जीते हैं जिस प्रकार से हम जीवन जीते हैं अगर अब मैं कि मैं पतला हूँ और मैं बहुत सारा खाना शुरू कर दूँगा अल्टीमेटली मेरे लिए वो अच्छा नहीं होगा और कहीं ना कहीं मैं बीमार पड़ जाऊँगा उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार से ये हमारे अडेनियम के प्लांट्स या दूसरे प्लांट्स होते हैं आप इनकी ज़रूरत को समझिए उसको ज़रूरत के हिसाब से आप फूट दीजिए तो आपका एडेनियम आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देगा और हाँ दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको कहना ही भूल गया कि अपने अडेनियम से कभी कभी इनको सलाह ज़रूर करें इस प्रकार से प्यार जरूर करा करें ये बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ी लग सकती है लेकिन ये महसूस करते हैं तो इनके साथ आप प्यार करिए इनको लव करिए और आप देखेंगे कि आप इनको बहुत अच्छा ये आपको रिजल्ट देते हैं तो दोस्तों ये बातें तो हो गई हमारी आप फर्टिलाइज़र की वगैरह की एक जो एडेनियम में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और जिसमें हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो होता है पानी कई बार हमसे ओवर वाटरिंग हो जाती है कई बार हमसे अंडर वाटरिंग हो जाती है दोस्तों कैसा क्या हमें कैसा करना चाहिए हमें कैसे समझना होगा कि अपने एडेनियम में हम कैसे पानी रखें बहुत सिंपल है दोस्तों जब गर्मी का टाइम हो तो आप इनको आराम से पानी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब सर्दी का टाइम हो या धीरे धीरे जब मौसम चेंज हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी पानी की उसको कम कर दीजिए अब अप्रैल मई जून इन तीन महीनों के अंदर आप इसमें सुबह शाम भी पानी देंगे तो आपका अडेनियम कभी नहीं मरेगा दोस्तों अगर हम इसमें अभी पानी डालेंगे और तेज़ धूप आएगी तो दिन भर शाम तक ये अडेनियम हमारा पानी पूरा अपने आप ही धूप से सारा सूख जाएगा ये अपना पानी जितना लेना होगा इसको लेगा उसके पश्चात ये पानी पूरा सूख जाएगा तो इसमें आराम से खूब अच्छी तरह से पानी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है मई जून में ज़रूर पानी दीजिए और पूरा भर के दीजिए नहीं तो आपका प्लांट फ्लावरिंग पर ही नहीं आएगा इस चीज़ का ध्यान रखें वो ग्रोथ नहीं करेगा वो शौक में रहेगा आप उसको पानी भी अडेनियम को मैंने सीख लिया कि पानी कम डालना है और आप पानी डाल नहीं रहें ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि उस टाइम पर हम ऐसी गलती कर देते हैं लेकिन जब जुलाई अगस्त आ जाता है जुलाई अगस्त के अंदर ऑलरेडी हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होती है नमी होती है ये नमी को वातावरण से ही अपने अंदर मॉइस्चर को ले लेते हैं उस टाइम पर इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है बारिश भी हो जाती है तो तब आप थोड़ा सा पानी की उसको कम कर दीजिए लेकिन इस टाइम पर आप उसको अगर आपकी फ्लावरिंग ना हो रही हो अगर इस टाइप का आपका प्लांट है तो उसको अच्छी तरह से नहलाइए इसके पत्तों को साफ करिए आप देख रहे हैं आप हल्की हल्की जब बारिश आती है और अच्छी तरह से आ नहीं पाती है तो इसकी बारिश इसके क्या होता है कि पत्ते ऐसे गंदे से हो जाते हैं आप इनको थोड़ा सा साफ़ करेंगे करेंगे तो इसकी जो फोटोसिंथेसिस होगी वह तो बहुत अच्छी होगी और ये ग्रोथ अच्छी लेगा और जब ग्रोथ अच्छी होगी तो नेचुरली ये फ्लावर आने ही आने हैं फिर उसके अंदर तो पानी का ध्यान रखिए अपने अंदर अपने अडेनियम के प्लांट्स में और विंटर आने में जैसे जैसे हमारा अक्टूबर के बाद धीरे धीरे आता है अक्टूबर में हमारी पानी डालने की वो तीन चार दिन में हो जाती है नवंबर में पाँच सात दिन की हो जाती है दिसंबर में दोस्तों दस पंद्रह दिन की हो जाती है और जनवरी में तो हम पानी डालते ही नहीं लगभग पंद्रह या बीस दिसंबर के बाद मैं अपने एडेनियम में पानी देना बंद कर देता हूँ बिल्कुल बंद कर देता हूँ इनको हटा देता हूँ और 15 जनवरी या 20-25 जनवरी तक बिल्कुल भी पानी नहीं डालता हूं और कोशिश करता हूं कि इनको निकाल के लटका दूं उसके पश्चात भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंगस आ जाता है क्योंकि उसके अंदर उस टाइम पर हमारे यहां ठंडक इतनी ज़्यादा होती है हवा में इतनी ज़्यादा पानी होता है या फिर दूसरा कोहरा वगैरह इतना आता है कि इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें पानी डालने की तो ये पानी की रिक्वायरमेंट आप ऐसी गलती ना करें गर्मियों में डालें आराम से डालें कोई ज़्यादा कम नहीं है कम पानी डालने की कोशिश ना करें कि हमें पानी कम डालना है बरसात में इनको थोड़ा सा पानी बरसात का भी लगने दें अगर आपको लगता है कि आपकी सॉइल मिक्स अच्छी नहीं है पानी कहीं रुक रहा है तो फिर आप अपने अडेनियम को थोड़ा सा शिफ्टिंग की ओर ले जाइए बरसात में ज़्यादा रहने न दें अदरवाइज़ आपका अडेनियम खराब हो जाएगा और दोस्तों मैं आपको एक और छोटी सी टिप बता दूँ आप जब भी अपने दूसरे प्लांट्स और इनको भरते हैं आप देखिए मैं आपको एक अपना फ्लावरिंग प्लांट दिखाता हूँ ये देखिए ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए इसमें लगभग हमने डेढ़ से दो इंची जगह छोड़ी हुई है इसमें हम पानी डालते हैं और पानी इसमें ज़्यादा आ जाता है ये हमारी ये वाला प्लांट है लेकिन दोस्तों आप एडीनियम को अगर आप देख रहे हैं अब आप इसमें देखिए बिल्कुल स्पेस नहीं है हमारा हालांकि मैं इसमें पानी धीरे धीरे डालता हूँ और एक डेढ़ लगभग एक लीटर के करीब इसमें पानी डालता हूँ लेकिन स्पेस बिल्कुल नहीं है ये इसलिए है कि ये बरसात में अगर पानी आता भी है एक्स्ट्रा पानी जब आता है तो ये साइड से सारा ऊपर से निकल जाता है और पानी इसके अंदर स्टे नहीं होता है तो अपने एडिनियम में मिट्टी ऊपर तक रखिए आप कंकड़ रखते हैं पत्थर नहीं रखते रहे ये आपके ऊपर है लेकिन इसको ऊपर तक ढक कर रखिए कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप साइड से पानी डालेंगे आराम से पानी नीचे चले जाएगा पानी को स्टे मत होने दीजिए ये एडिनियम की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है अगर ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इजिली अपने वहाँ एडिनियम को उगा सकते हैं हम कोई सीख कर नहीं आते धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखते हैं दो चार अडेनियम मरते हैं तो मरने दीजिए ना कोई बात नहीं लेकिन आप सीख तो जाएंगे कम से कम ट्राई तो करते रहिए ट्राई करिए और आप आजकल तो सभी लोग यूट्यूब पर भी बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और सब लोग बताते भी हैं और दोस्तों हम भी बताते हैं हम जैसा कि संदीप जी ने आपको बताया हमारा एक रूप टॉप ऑर्गेनिक्स करके है अडेनियम में मैं आपको उसमें छोटी छोटी जानकारी देते रहता हूँ अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं उसमें आपको हम सब टिप्स बता देते हैं कि आपको कब पानी डालना है कब कैसे करना है कैसे समय समय पर जानकारी दे देते हैं आज जो आज आपको इकट्ठी जानकारी मिल रही है उसमें आपको अलग अलग प्रकार से जानकारी सब मिल जाएगी आप किसी भी किसी को भी एक फॉलो करिए बस उसी हिसाब से अपने एडेनियम को लगाइए लगाइए तो सही अगर आपके पास सीड्स नहीं है हम तो सीड्स फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं अब आप देख रहे हैं हमारे ये फ्लावर्स इतने अच्छे आए हुए हैं तो अभी आप नेक्स्ट मंथ में देखेंगे इसमें हमारे बहुत सारे सीड पॉट बन जाते हैं हालांकि दोस्तों जब सीड पॉट बन जाते हैं उसका एक नुकसान होता है कि उसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है क्योंकि प्लांट अपनी जो वो सारी ताकत है वो सीड स्पॉट पर डल देता है लेकिन दोस्तों मैं क्योंकि अब चाहता हूँ कि हमारे और भी साथी हमारे एडेनियम लगाएँ तो मैं उन सीट स्पॉट्स को लगाता हूँ और फ्री मैं उन सीड स्पॉट्स को लोगों को देता भी हूँ आप चाहें तो वो मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं इसी प्रकार से मैंने जो अभी आपको एडेनियम दिखाए वो भी मैंने गिफ्ट देने के लिए लगा रखे हैं अब मेरे गार्डन में कोई आता है तो मैं कभी कभी उनको एडेनियम दे देता हूँ लेकिन अब ऐसे एडेनियम की हालत हो गई है कि अब मैं इनको दे नहीं पाता हूँ तो इसलिए अब थोड़ा सा एडेनियम और लगा रहा हूँ ये बेसिक जानकारियाँ थी जो अडेनियम के बारे में मैंने आपको बताया इसके सिले की वीडियो वीडियो बसना है तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना आज आपने देखा हरीश जोशी जी ने आपको अडेनियम पर डिटेल नॉलेज दे दी है आई थिंक आपके सारी की सारी जो क्वेरीज थी वो कवर हो चुकी हैं इसके अलावा भी कुछ भी क्वेरी है कुछ भी आपको क्वेश्चन करने हैं तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए वो आपको वहाँ पर रिप्लाई देते रहेंगे साथ ही में आप चाहें तो इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है तो आप वहाँ पर भी विजिट करिए और वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में सीखने के लिए मिलने वाला है अभी भी काफ़ी सारी वीडियोज मेरे चैनल पर आने वाली हैं और हरीश जोशी जी के साथ साथ आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा और आप अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो मैं सब पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि इनके साथ मिलकर उन टॉपिक्स पर भी काम किया जा, पे भी जाए उन पर भी वीडियोज़ लाई जाएँ तो आपको जयपुर वीडियो तो आपको जयपुर सीरीज़ कैसी लगी थी प्लीज़ उसके बारे में मुझे कमेंट करते रहिए और जो भी लोग लग, लखनऊ से हैं और जो भी लोग लखनऊ से है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैं जल्दी लखनऊ आने वाला हूं और वहां पे भी काफ़ी सारे टेरेस गार्डन कवर करने वाला हूं तो मेरी मेल आईडी स्क्रीन पे आ रही है यहां पे आप मुझे मेल करिए मैं जल्दी आपका विजिट करूंगा इस इसका के लिए कुछ भी चार्जेस नहीं होता मैं विज़िट करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट विज़िट करता हूँ और आपके टेरिस गार्डन की वीडियो लेकर अपने चैनल पर आता हूँ और अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो वहाँ भी फॉलो करिए इंस्टाग्राम फेसबुक पर दोनों जगह पर अवेलेबल है चलो बागवानी करें आप इजिली सर्च कर सकते हैं वहाँ पर दोनों जगह पर मैं अवेलेबल हूँ और वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ आती हैं हरीश जी के साथ भी मैंने काफ़ी सारी रील्स बनाई है जो कि जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड होने वाली है तो आप उन्हें देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है सो so फ्रेंड मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय वट्स हैं ये लगभग दो से तीन बजे के आसपास ओपन होती हैं और उसके बाद क्लोज हो जाती हैं फुल सनलाइट में रहते हैं फुल रेन में रहते हैं कोई इश्यू नहीं है जरा आप इनके जरा को देखेंगे, तो आप खुद दंग रह जाएंगे। यहाँ पे नॉर्मल है और ये क्रैश फॉर्म है तो मार्केट में अगर बात करें तो इसकी ज्यादा वैल्यू है क्रैश फॉर्म डिस्को कैक्टस कहते हैं इसको और इसके जो ब्लूम होता है वो आ, नाइट में होता है और बहुत अच्छा फ्रेगनेंस होता है इसका